हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर योरसेल्फ। मैं हूं महबूब आलम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गूगल फेच के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है गूगल फेच क्या है, उन लोगों को मैं बता दूं, गूगल फेच गूगल का एक टूल है जिसको यूज़ करके हम लोग अपना पोस्ट को या आर्टिकल को जल्दी से जल्दी गूगल के सर्च इंजन पे इंडेक्स करा सकते हैं, यानी कि सर्च रैंकिंग में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किसी भी आर्टिकल को या किसी भी पोस्ट को हम लोग गूगल पेज में कैसे सबमिट करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों का आर्टिकल या पोस्ट जल्दी से जल्दी गूगल के सर्च इंजन में आने लगे। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात जरूर चलता होगा कि क्यों हम लोग अपना आर्टिकल या पोस्ट को गूगल पेज में क्यों सबमिट करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपका न्यूज़ का एक वेबसाइट है। ठीक है, तो आपने किसी न्यूज़ के ऊपर, यानी कि वो न्यूज़ आज ही गए। ठीक है, तो आपने वो न्यूज़ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा या पोस्ट लिखा, तो आप लिखते दिए, लेकिन इतने जल्दी गूगल के सर्च इंजन पे वो आएगा नहीं। ठीक है, तो क्रॉलर हर एक वेबसाइट पे जाता है, बहुत टाइम लगेगा आपके वेबसाइट पे आएगा, उसको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन आप अगर गूगल पेज को यूज़ करके, यानी कि अपना आर्टिकल को वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, तो गूगल के क्रॉलर को पता चल जाएगा कि इस नाम का एक आर्टिकल है, कोई अगर ये सर्च करता है तो उसको ये आर्टिकल दिखाना है। ठीक है, तो गूगल पेज इसी के लिए यूज़ होता है, ताकि हम लोग अपना आर्टिकल या पोस्ट को मैनुअली सबमिट करके हम लोग अपना आर्टिकल या पोस्ट को जल्दी से जल्दी सर्च इंजन पे ला सकें। उससे हम लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि हम लोगों का वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा, यानी कि पेज भी बढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गूगल पेज में कोई भी आर्टिकल को या पोस्ट को कैसे सबमिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिएगा आप, और गूगल में लिखिएगा वेब मास्टर टूल। यहाँ पर देखिए गूगल सर्च कंसोल, आपको इस पर जाना है। आपको गूगल वेब मास्टर टूल पे जाने के लिए आपके पास जीमेल आईडी होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा तीन वेबसाइट गूगल वेब मास्टर टूल पे ऐड किया हुआ, यानी कि सर्च इंजन में लाने के लिए सबमिट किया हुआ है। ठीक है, तीनों वेबसाइट। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये वाला vishesh101blogspot.in, इसका URL। ठीक है, मैं इसको बताने वाला हूँ। तो आपका भी जो भी अपना वेबसाइट आप गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट किए हैं सर्च रैंकिंग में लाने के लिए, अगर आपको नहीं पता है कैसे सबमिट किया जाता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके सीख सकते हो कि अपने वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ आपने सीख लिया ये काम। ठीक, तो आप आ जाइएगा गूगल के सर्च कंसोल पे, यहाँ पर वेब मास्टर टूल पे, सॉरी। फिर इसके बाद से आपको अपना वेबसाइट चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला वेबसाइट है, तो मैं अपने वेबसाइट को क्लिक कर लेता हूँ ये वाले को। तो यहाँ पर देखिए vishesh101blogspot.in का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आपको आना है क्रॉल के ऑप्शन पे। यहाँ पर देखिए पैच एज गूगल नाम का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अपना पोस्ट का URL को सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो आपको आ जाइए अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे, या कोई भी आपका वेबसाइट है या कुछ है, कोई वर्डप्रेस का कोई भी है, आ जाइए आप अपने डैशबोर्ड पे। पहले यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा पोस्ट लिखा है। ठीक है, मैं नीचे से कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक को सबमिट करना है। अगर मैं ये दोनों करूँगा तो बाद में मुझे पता नहीं चल पाएगा, मुझे प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं नीचे से कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वाला, मैं नीचे से दो आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ व्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पोस्ट यहाँ से ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए ये क्या बोल रहा है। आपको अपना डोमेन नेम के बाद जो स्लैश के बाद जो URL है, आपको उसी को सबमिट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप अपना वो पोस्ट चूज़ कर लीजिए जो आपको पोस्ट को सबमिट करना है गूगल के पेज में। ठीक है, जैसे कि मुझे ये दोनों करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक Ctrl+C, ठीक है ना, स्लैश के बाद हम लोगों को नहीं सबमिट करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है स्लैश के बाद। अब नहीं, आपको आपके जो स्लैश के बाद जो URL है, आपको उसी को सबमिट करना है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्लैश के बाद जो URL है, मैं फिर से दिखलाता हूँ आपको, स्लैश के बाद जो URL है ना 201711, आपका जो भी है आपका डोमेन नेम के बाद आपको उसी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी। देखिए आप अच्छे समझ लीजिए इसको, ठीक है, स्लैश के बाद आपका जो URL है आपको उसी को सबमिट करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर अपना URL को सबमिट कर देता हूँ, कंट्रोल बी, और यहाँ पर मैं पेज एंड रेंडर, तो यहाँ पर आप देखिए ये पेंडिंग लिखा के आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने गूगल का बोला है कि ये वाले आर्टिकल को आप अपने सर्च इंजन पे लाइए, क्योंकि हम लोगों ने मैन्युअली सबमिट किया है इस URL को, ताकि हम लोगों का ये वाला कोड जल्दी से जल्दी गूगल के सर्च इंजन पे आने लगे, ठीक है। तो आप कुछ इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दो और बता देता हूँ, ये वाला तो हो गया, चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। अब ये वाला, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर के फिर से देखिए स्लैश के बाद जो URL आपको उसी को सबमिट करना, आपका डोमेन नेम हो गया, ठीक है, डोमेन नेम के बाद स्लैश के बाद जो URL है आपको उसी को सबमिट करना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है ना, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल बी। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए ये बात, ठीक है। आप अपने URL को सबमिट करके फेच एंड रेंडर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो पोस्ट को रिक्वेस्ट किया है गूगल को कि आप अपने जल्दी से जल्दी ये दो पोस्ट को गूगल के सर्च इंजन पे लाइए, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट मेरे लिए ज़रूरी है रैंक होना गूगल पे जल्दी से जल्दी, ठीक है। मैंने ये गूगल को ऐसा बताया है, तो आपको जो भी अपना पोस्ट को जल्दी से जल्दी गूगल के सर्च इंजन पे लाना है आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फेच एज गूगल पे आकर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल फेच क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो बना के देता रहूँ। मैं चैनल पर और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको सिखाता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग सिखाता रहता हूँ, और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे होगा ये मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।